अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान लोन। ईद उल फितर के इस अजीम मौके पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी जिंदगी में ये ईद खुशी का बास बने, आमीन। हमारी ईद की शुरुआत होती है ईद के एक दिन पहले से, जिसे अरफा या तो चांद रात कहते हैं। सारे लोग ईद की खरीदो फरोख्त में लगे होते हैं और घर पे आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए लजीज और जायकेदार पकवान बना रहे होते हैं। गांदरबल से अंदरूने मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने तशरीफ लाए। वसीम भाई गांदरबल से, कैमरामैन राशिद नवाब के साथ फरहान। इस वक्त हम सब नाई की दुकान पे बाल कटवाने जा रहे हैं। ईद के दिन सुबह सवेरे फजर नमाज पढ़ने के बाद हम लोग आसपास के कब्रिस्तानों में फातिहा पढ़ने के लिए चले जाते हैं और फातिहा पढ़ने के बाद हम लोग ईद नमाज की तैयारियों में जुट जाते हैं। पढ़ने के बाद खाने और पीने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हम सब एक दूसरे के घर जो उन्होंने हमारे लिए लजीज और जायकेदार पकवान बनाए होते हैं वो नोश करने के लिए चले जाते हैं। आपकी एज क्या होगी? 10 साल। और आपने कितने रोजे रखे इस साल? बराबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे रोजे रखे इस साल। इतनी सारी पब्लिक देख के कहीं मकान मालिक भाग ना जाए मकान ही छोड़ के।
ने मुझे? हमारे खाने का सफर शुरू हुआ था मेरे घर से, अभी दरमियान में हम जा रहे हैं राशिद भाई के घर पे, लेकिन अभी हमारे खाने का सफर बहुत अधूरा है, अभी बहुत सारे घर पेंडिंग है। सो सुबह सवेरे फजर नमाज पढ़ने के बाद मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन में फिर मौसम बहुत ही मोतदिल रहा। मौसम मोतदिल रहने की वजह से आज हमारा व्लॉग खाली खाने पे ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हम एक जगह से दूसरी जगह भी जा पाए, और रास्ते में मुझे जो भी मिल रहा था हर एक को व्लॉग में आना था, और मुझसे जितना हो सका मैंने सबको व्लॉग में लाने की कोशिश की, तो उस वजह से आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है। इनकेस अगर किसी ने ज्यादा खा लिया तो मुदस्सिर भाई इज ऑलवेज हियर ऑन लोन मेडिकेट। इनो बेचते हैं इनो। खाने पीने से लेके सैर व तफरी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी, लेकिन मेरी ईद अच्छी गुजरी, आपकी ईद अच्छी गुजरी। एक इंसान है जिसकी ईद लास्ट पे खराब हो गई, उसको बताया था ज्यादा खा मत, ज्यादा खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो गई, और दसिर भाई ने कहा था कि लोन मेडिकेट 24/7 अवेलेबल होता है, लेकिन वाकई मुदस्सिर भाई 24/7 ही अवेलेबल होते हैं। और एट लास्ट मैं आप सबसे एक भाई एक दोस्त या सम स्ट्रेंजर ऑन द इंटरनेट के रिश्ते से मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप किसी से रूठे हुए या किसी से लड़ाई करके बैठे हैं तो इस ईद पे सबको माफ कर दीजिए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कौन सी मुलाकात आपकी किसी के साथ आखिरी मुलाकात हो। तो अपना दिल दूसरों के लिए साफ रखिए और सबको इस ईद पे माफ कर दीजिए। बाकी सलाम। बस।